Dear student, as we have discussed about cross-section data and for poverty analysis, we have some information on panel data. के पैनल डेटा को जब हम पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लॉन्च कर सकते हैं, किस किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं वन फैमिली विद द अदर फैमिली, वन हाउसहोल्ड विद अदर हाउसहोल्ड, वन रीजन विद द अदर रीजन. तो उसके लिए वी हैव हाउसहोल्ड पैनल इम्पैक्ट एनालिसिस, कि इसको हम चेक कर सकते हैं कि आफ्टर द इंटरवेंशन टू ईयर में लोगों की पॉवर्टी लेवल कितना चेंज हुआ. हम इससे इंटरवेंशन से एनालाइज कर सकते हैं लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कितना चेंज हुआ, और इस तरह पैनल डेटा में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना चेंज हुआ. इस तरह पैनल डेटा हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि इस इंटरवेंशन से स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लाइक फ्रॉम 2010 टू 2015 लोगों की इनकम में कितनी चेंज आई, 2010 टू 15 लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हुआ, एंड फ्रॉम 2010 टू 2015 लोगों की वेलफेयर का किस तरह चेंज हुआ, देन उनका हैप्पीनेस लेवल हम चेक कर सकते हैं, हम उनके एक्सेस को चेक कर सकते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन टुवर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह इम्पैक्ट हुआ. लेकिन जिस वक्त हम पैनल डेटे में ये सारी चीजें यूज करेंगे इसमें सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. लाइक हम ये चेक कर रहे हैं कि फ्रॉम 2000 टू 2015 लोगों की इनकम इंक्रीज हुई. अब इनकम तो इंक्रीज हुई, लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो इनकम इंक्रीज है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और देर आर सम अदर फैक्टर्स. जब हम अदर फैक्टर्स को लेते हैं उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना इजी जॉब नहीं होती. इसलिए जिस वक्त पैनल डेटे में हम एनालिसिस यूज करते हैं देर आर चांसेस ऑफ द एरर, देर आर चांसेस ऑफ द सिलेक्शन बायस, देर आर एरर्स इन मेजरमेंट और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एस्टिमेशन. अब ये सारे जो एरर्स हैं इनको हमने अपने माइंड में रख के फिर एस्टिमेशन करनी होगी, क्योंकि जिस वक्त कोई भी इंटरवेंशन है लाइक गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है फॉर द इंक्रीज ऑफ एनरोलमेंट रेट, फॉर द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमने हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होगा जिससे हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो इसलिए इसमें जब हम एनालिसिस यूज करते हैं देन देर आर सम टाइप्स ऑफ एरर्स, और उनको हमने अपने माइंड में रख के उनको एनालिसिस में यूज करके फिर पॉलिसी इंटरवेंशन करनी होगी, फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन करनी होगी, फिर पॉलिसी सजेशन करनी होगी.